देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुनो, जितनी भी जितने भी चैनल्स, जितना प्रिंट मीडिया, जितने स्टोरी, जितनी इंटेलिजेंस, सीबीआई, आईबी, सीआईडी, रॉ, इंटरपोल, सब कांग्रेस की सरकार को ला रहे थे। इवन बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर भी कह रहे थे कि हम 30 और 35 के बीच में आएंगे, हम 30 और 35 के बीच में आएंगे। ये जो रिजल्ट आए हैं, इन रिजल्टों ने पूरे प्रदेश के हर वर्ग को चौंकाया है, हर लीडरों को मतलब आश्चर्यचकित किया है कि ये रिजल्ट कैसे। तो मेरा मानना भी ये है कि जो इतने पावरफुल लीडर थे, जिनका कंटेस्ट नेक टू नेक था, फॉर एग्जाम्पल भादरगढ़ 45,000 से ज्यादा वोटों की लीड से राजेश जून बन गया, इट्स वेरी सरप्राइज। इसी तरह से महम है, कंटेस्ट साथ साथ था, लेकिन कुंडू कितने वोटों से आ रहा है। इसी तरह से करण दलाल जैसा आदमी, जो इतना पावरफुल आदमी, इतना जिसका जमीनी लेवल पे इतना इमेज रहा हो, कितने हजार वोटों से, 30-35 हजार वोटों से ज्यादा से आ रहा है। ये जो रिजल्ट आइडेंटिफाई करके, जिनका कंटेस्ट बिल्कुल नेक टू नेक था, उनकी जो लीड मार्जिन है, उससे ये होता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ जरूर हुई है। और ईवीएम में गड़बड़, हमने तो टेक्निकल आदमियों से भी संपर्क किया है, उनसे भी पूछा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बाकी इन चीजों को छोड़ो, इसके अलावा और भी हार के बड़े कारण है। हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन ही नहीं है। हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपस में लीडरों का तालमेल ही नहीं था। हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आपके पास ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे, उन्होंने तो पन्ना प्रमुख बना रखे थे, आपके पास तो कहीं किसी ब्लॉक, किसी जिला, किसी भी लेवल पे संगठन नाम की चीज नहीं है, तो आप कैसे पार्टी पावर में आ सकते थे। इसलिए मेरा ये मानना है, और बहुत फैक्टर है, फिर सबको साथ लेके चलो, बड़े नेता आपस के इनफाइटिंग में उलझे रहे, आपने बैलेंस किया ही नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेवार तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने बैलेंस क्यों नहीं किया। आप एक तरफा चलोगे, एकीकरण की पॉलिसी पे चलोगे, तो कामयाब कैसे हो सकते हो। बात यह है, मेरा मानना है कि पार्टी लीडरशिप के इर्द गिर्द अब भी वही चाटुकार हैं, एक कोठरी सी बनी हुई है, जिसने पूरी सेंट्रल लीडरशिप को घेरे में ले रखा है। आप देखिए, 10 या 12 आदमियों के अलावा जो बड़े लीडर हैं, अशोक गहलोत, ये अजय माकन, राजीव शुक्ला, फलाना चैंथला, फलाना, यही महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, यही हरियाणा के प्रभारी हैं, यही पंजाब के प्रभारी हैं, यही यूपी के प्रभारी हैं। आपके पास क्या इन आदमियों के अलावा और कोई आदमी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इंदिरा जी का टाइम याद करो आप, इवन राजीव जी का टाइम याद करो, सोनिया जी भी लोगों को मिला करती थी, अब तो इनका संवाद ही नहीं है किसी से, लोगों को मिलते ही नहीं है। चुनिंदा लोग अपॉइंटमेंट ले तो मिल सकते हैं, वो भी साल साल बाद, तो 2 साल बाद, अदरवाइज इनकी यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा 4,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा को भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया, वो भी मैनेज थी। अगर किसी स्टेट से गुजरते थे, किसी स्टेज के ऊपर रैली रखी है, उस रैली के अंदर, उस मंच के ऊपर वही चढ़ सकते हैं जो आदमी उन लीडरों के चहेते हैं, दूसरे आदमी स्टेज पे बोल नहीं सकते। कहते हैं कि बीजेपी ईवीएम में जो कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कांग्रेस वाले तो अभी अपने हार से बिल्कुल सदमे में है। सुरेंद्र जी, सदमे में तो बीजेपी भी है कि हम कैसे पावर में आ गए, सदमे में कांग्रेस भी है कि हम हार कैसे गए, सदमे में जमीनी लेवल का कार्यकर्ता, जमीनी लेवल का वोटर भी है कि ये रिजल्ट कैसे आए, बड़े आश्चर्यचकित रिजल्ट आए। तो इसलिए सदमे में तो आज पूरा प्रदेश सदमे में है, और मैं समझता हूँ कि अब कहने को तो कुछ है नहीं, और ये मेरा भी सौभाग्य है
कि आप जैसे इंडिपेंडेंट चैनल के लोग मेरा इंटरव्यू लेने आ गए हो, लेकिन हम भी सदमे में हैं। तो कांग्रेस कैसे बढ़ेगी इस साल से? कांग्रेस तो साल तक हमारे नहीं, जब तक ड्रास्टिकली कांग्रेस के अंदर चेंजेस नहीं होंगी। अब इन्होंने लाल डोरे बना रखे हैं, हदबंदी कर रखी है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, कुछ और इलाके के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई पार्टी का जिक्र ही नहीं कर सकता, उनसे अबव एंड बियॉन्ड कोई जा ही नहीं सकता। ये लाल डोरा है। इसी तरह से अम्बाला से ये, सरसा से ये, कैथल से रणदीप सुरजेवाल। अरे मैं कहता हूँ ऐसे पार्टी कभी चली है? आपके पास ग्राउंड लेवल के आदमी नहीं है, आपको फीडबैक ही नहीं है। आपके पास 3-4-5 चुनिंदा लीडर है, बस उन्हीं से आप फीडबैक लेते हो, वहीं से पार्टी का संगठन चलाते हो। मैं और कहता हूँ आज 17 साल से दलित समाज के आदमी के कमांड में लीडरशिप है। पहले फूलचंद मुलाना थे, फिर उदय भान, फिर कुमारी शैलजा, अशोक तंवर 6 साल रहे। आप 17 साल दलित के हाथों में कमांड रही और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए। दलित समाज क्यों नहीं आया आपके साथ? कारण क्या है? बहुत बड़ा कारण है कि आपने दलित समाज के अंदर ही सोशलिज्म किया ही नहीं। वहां भी आप अपने अपने चेहतियों को साथ लेकर चलते रहे। यही कारण है जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक था, दलित, ब्राह्मण, पंजाबी, महाजन, बैकवर्ड, आप आज से कट गया, इसलिए आप हार गए। अब भी आपके होश नहीं आ रही है, अब भी एक ही राह। इन्होंने आज बीजेपी ने क्या किया, एक सूत्री प्रोग्राम बनाया है, जाट वर्सेस गैर जाट, वही घर घर में इन्होंने बातें चलाई है। पोलराइजेशन, सोशल इंजीनियरिंग, उसमें बीजेपी वाले कामयाब हो गए। मैं अब भी कहता हूं तब तक इनकी काट, अगर इन्हीं की काट से नहीं आप करोगे, आप जब तक गैर जाट के चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं करोगे स्टेट लेवल के ऊपर, आप कांग्रेस कभी नहीं आ सकती। ये मेरा निचोड़ है, मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष तो जी मेजोरिटी एमएलओ ने रेजोल्यूशन पास करके दे रखा है, और अगर मान लो भूपेंद्र हुड्डा की जगह किसी और को बनाते हो, वो और उससे बुरा, क्योंकि मेजोरिटी एमएलए हुड्डा साहब के साथ है। वो कहते हैं ना, पहले खसम कराया, फिर ही बटा के फिर उससे भी भूडा कराया। तो इसलिए आप छोड़ो, आप इन बातों को रहने दो, यही जैसे चले कांग्रेस वैसे चलने दो। लेकिन कांग्रेस अगर ऐसे चलते हो, कांग्रेस तो ना आवे अभी, कांग्रेस कांग्रेस के अंदर ड्रास्टिकली चेंजेस कांग्रेस मांगती है। कांग्रेस बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल के ऊपर कमेटियों का गठन चाहती है। कमेटी के चुनाव आगे, कॉरपोरेशन के चुनाव आगे, जनवरी के अंदर हो जाएंगे। यहाँ भी फिर उल्टी पड़ गई, 20 साल कांग्रेस की मत सोचिए। वो तो बीजेपी वाले भी कहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको।